हेलो दोस्तों, हम हैं राहुल और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आरकेआर नॉलेज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कैसे करें। दोस्तों आप जब भी कोई फाइल डिलीट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो रिसाइकल बिन में जाता है, अगर रिसाइकल बिन अनेबल हुआ तो, एंड देन आप जाकर वहाँ से डिलीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप तो ये जानते ही होंगे कि वो डिलीट किया हुआ फाइल्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आपको यह जानना है कि किसी भी डिलीट किए हुए फाइल को रिकॉर्ड कैसे करें तो हमने उस पर पहले से ही वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इन नॉर्मल आप जब भी कोई फाइल डिलीट करते हैं तो फाइल हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है डेड फाइल के रूप में, जब तक कि वो फाइल ओवरराइट ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप किसी भी रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप उसे रिकवर कर सकते हैं। ऐसे तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए बेनिफिट ही है कि अगर हम कोई फाइल गलती से डिलीट कर दे तो उसे रिकवर कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो कि कोई फाइल आपका इंपॉर्टेंट फाइल हो जिसे आपने डिलीट किया हो, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड कोई फाइल हो जिसे आपने डिलीट किया हो, और ऐसे में फ्रेंड्स आपका हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए कि जो रिकवर कर सके, तो ये आपके लिए नुकसान की बात होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवर ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम यूज करेंगे एक एप्लीकेशन जिसका नाम है इरेजर, जो कि फ्री एप्लीकेशन है। आप इसका ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उस लिंक ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी वर्जन डाउनलोड करना हो उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं कि किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज फाइल है, इस इमेज फाइल को हमें परमानेंटली डिलीट करना है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको न्यू टास्क असाइन करेंगे। इसके अंदर हम एड डेटा में जाएंगे, देन हम यहाँ पे उस फाइल को ब्राउज करके चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे उसका पाथ देने के बाद हम इसे ओके करते हैं, देन इसको भी ओके करते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक न्यू टास्क एलोकेट हो चुका है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन रन नाउ पे क्लिक करेंगे तो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है टास्क। अब फ्रेंड्स, ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, एक किसी भी रिकवरी टूल के थ्रू रिकवर नहीं हो सकता है। अब फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इरेजर काम कैसे करता है। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं वो स्टोर रहता है। तो इरेजर करता क्या है, सिंपली हम जो भी फाइल डिलीट करते हैं उस फाइल पर इरेजर बहुत सारे जंक फाइल्स की मदद से ओवरराइट कर देता है, जो कि कभी रिकवर नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी पेंडर या हार्ड डिस्क को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं या फिर किसी को देना चाहते हैं, उस टाइम आप इस टूल का यूज़ करके उसमें के सभी फाइल को क्लीन कर सकते हैं, जो कि फिर से रिकवर नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे होगा ये कि आपके डेटा का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, गुड बाय।